नमस्कार, आज हम करंट अफेयर्स में विभिन्न मंत्रालयों की समरी देखेंगे। तो पीआईबी ने ये समरी रिलीज़ की है, लगभग 100 पेज से अधिक का डॉक्यूमेंट है। हमने उसको यहाँ समराइज़ करने की कोशिश की है, प्रमुख प्रमुख पॉइंट्स हम सामने लेके आए हैं। एग्जाम रेस करंट अफेयर्स के सेक्शन में इसका पूरा हिंदी वर्जन आपको अवेलेबल रहेगा, तो हर मंत्रालय की अलग अलग समरी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और ये समरी आपके मुख्यतः प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी स्कीम्स सीधे नाम पूछे जाते हैं, तो सिर्फ पता होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेंस के लिए आप अपनी केस स्टडीज़ में यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स और सांख्यिकी दी गई है उसको जोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर और बेहतरीन बन सकता है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय में सबसे प्रमुख स्कीम जो शुरू की गई वो थी तरंग संचार। तरंग संचार में उन्होंने कहा था कि मोबाइल सेफ्टी के लिए लोगों में एक जागरूकता फैलानी है। लोग अभी डरते हैं कि मोबाइल टावर के पास जाएंगे तो हानिकारक होगा, तो उन चीज़ों को लेकर लोगों में एक चेतना जगानी है, एक अवेयरनेस लानी है। इसी के साथ सैटेलाइट गेटवे शुरू किए गए BSNL द्वारा। कौशल विकास योजनाएं लाई गई, उसमें दो प्रमुख योजनाएं लाई गई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार योजना। इन दोनों में ही टेलीकॉम सेक्टर में, इसमें तो टेलीकॉम सेक्टर में जिन्होंने भी बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है उनको अवार्ड दिया गया। और इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खोले गए जहाँ पर लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा सके। दूरसंचार के क्षेत्र में बहुत सारी वृद्धि हुई है, लगभग 9 मिलियन नए इंटरनेट कनेक्शंस आए हैं सिर्फ 3 क्वार्टर में, मार्च से लेकर जून तक की अवधि में। FDI इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो ये कुछ बेसिक डेवलपमेंट्स हैं जो हमने देखे हैं। डाक विभाग में हमारे जो प्रमुख डेवलपमेंट है उसमें पहला तो ये है कि पोस्ट ऑफिस को अब पेमेंट बैंक बना दिया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसको IPPB भी कहा गया है। और इसके थ्रू बहुत सारे ATM खोले गए हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करवाए गए हैं, छोटे छोटे गांव में ये सुविधा उपलब्ध हो सकी है। इसी के अलावा एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम चालू की गई। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम, जिसको हम डाक जीवन बीमा योजना कहते हैं, ये तो 1884 से चालू है, पर इसका जो रूरल वर्जन है वो 95 में चालू किया गया था। जो PLI और रूरल PLI है उसमें क्या क्या स्कीम्स के क्या क्या नाम है उसकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, आपको ये समराइज करके याद करनी है। अब इसमें पहल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए और बहुत सारी नीतियाँ आई जिसके थ्रू अब लोगों में इसके अकाउंट खुलवाने की जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसी में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना भी शुरू की गई, जिसमें हर राजस्व जिले में कम से कम एक गांव लिया जाएगा जिसमें 100 घर होंगे, और बहुत सारी जगह इसको प्रतिस्थापित किया जाएगा। फिर इसके अलावा पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए, तो पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए। 285 ऐसे केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है, जिसमें पहली फेज़ में कुछ खोले गए हैं और दूसरी फेज़ में बाकी खोले जाएंगे। उसकी पूरी सांख्यिकी आपके यहाँ पर है, पर इसके मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? इसमें पहली चीज़ तो आपके हर जगह एक वेरीफाइंग ऑफिसर और ग्रांटिंग ऑफिसर होना चाहिए, हर 50 किलोमीटर पर एक पासपोर्ट सेवा केंद्र होना चाहिए, और औपचारिक रूप से वित्तीय योजनाएँ संभालने का कार्य आना चाहिए। इसके MOU साइन किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। फिर कुछ केस स्टडीज़, CPMG अहमदाबाद में ई भुगतान लाया गया, तो NIC गांधीनगर द्वारा ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सिस्टम का एक वेब पोर्टल बनाया गया, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर को रिलीज़ किया गया खेल महाकुंभ में, जो 2010 से हो रहा है, और अब जो भी बच्चे खेल महाकुंभ में जीतेंगे उनका पैसा इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर द्वारा उन्हें प्राप्त हो सकेगा। छात्रवृत्ति का वितरण शुरू किया गया। फिर कर्नाटका सर्कल में सेम डे डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लाया गया। फिर वेस्ट बंगाल में स्पीड डिलीवरी की बात कही गई और वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात कही गई स्पीड पोस्ट के लिए। अगर हम अर्थ साइंसेज या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की बात करें, तो पहले तो मौसम की मॉनिटरिंग के लिए अहमदाबाद में बहुत सारे एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए गए। पौंडीचेरी में बीच रेस्टोरेशन या समुद्री तट को कैसे बहाल किया जाए उसके ऊपर कार्य किया गया। समुद्री केज या सी केज कल्चरल सेंटर खोले गए। फिर मॉनसून मिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग क्लास लेंगे।
ज्योग्राफी ऑप्शनल भूगोल वैकल्पिक के कैंडिडेट्स के लिए और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही मॉनसून मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से डायनामिक मॉडल से मॉनसून फोरकास्ट किया जाता है उसके बारे में है। कोयना में अंतर प्लेट भूकंप क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई, तो इसमें 3 लैब्स बनाई गई। पहली भू वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, दूसरी ऑयल ड्रिलिंग के लिए थी और तीसरी फ्लूइड लेवल्स को नापने के लिए थी। कोचीन में सी सेट के द्वारा और डॉपलर मॉनसून रेडार सिस्टम लाया गया। फिर पानी को साफ करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो पुलिस के आधुनिकरण की बात कही गई, जो कि एक प्रमुख इशू था। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की गई, जैसे भारत और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप्स, इंडिया और म्यांमार के ड्रग ट्रैफिकिंग को लेके, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, हथियारों का निर्माण जो है मेक इन इंडिया के थ्रू किया जाएगा, वामपंथी उग्रवादियों से लड़ने के लिए बहुत सारी रणनीति बनाई जाएंगी जिसको समाधान नाम से जाना जाएगा, छत्तीसगढ़ में नए ITI और कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, वीज़ा का प्रोसेस आसान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा दिया गया 163 देशों के नागरिकों को 25 हवाई अड्डों पे, और मेडिकल टूरिज्म या मेडिकल पर्यटन को आसान बनाया जाएगा। मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर और हैदराबाद में इसकी सुविधा बढ़ाई जाएगी, नागरिकों को बहुत आसानी से ये सुविधा उपलब्ध होगी। फिर द्वीप विकास एजेंसी द्वारा 9 द्वीपों के डेवलपमेंट की बात की गई, 4 अंडमान निकोबार में है और 5 लक्षद्वीप में है। बहुत सारी जगह NDRF का कैंप की स्थापना की गई आंध्र प्रदेश में। फिर आपके कैनकून मैक्सिको में जो डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट रिडक्शन की बात की जा रही है उसकी सबमिट की गई। भारत और थाईलैंड के बीच में नारकोटिक ड्रग्स के लेके अरेंजमेंट हुआ। फिर भारत बांग्लादेश में सीमा सुरक्षा को लेके बात की गई। फिर बहुत सारे गृह मंत्रालय ने फोन फॉर्ड की बात की गई, जिसमें एक अंतर मंत्रीय समिति गठित की गई, और भारत एक वीर का वेब पोर्टल बनाया गया जिसमें शहीदों के परिवारजनों को सहायता दी जा सके, और युवा करके एक कौशल विकास प्रोग्राम चालू किया गया जो दिल्ली पुलिस द्वारा करवाया गया है। अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्या क्या प्रमुख चीज़ें की हैं। पहले तो जो लघु क्षेत्र की नीति है उसको सुधार किया है। फिर हेल्प हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में नई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति लाई गई जिसको हेल्प नाम दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी NDA चालू किया गया जिसमें एक्सप्लोरेशन का सभी डेटा अवेलेबल होगा। प्राकृतिक गैस के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिडलाइन बनाई गई जिसको प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा भी कहा गया, और इसका वितरण बहुत सारी जगह करवाया जाएगा। सिटी गैस की सर्विसेज चालू करी गई जिसके द्वारा विभिन्न शहरों में गैस का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके थ्रू LPG कनेक्शंस की बात की गई है। फिर पहल स्कीम जो सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है। पहल स्कीम के बाद हम DBT योजना की बात करते हैं जिसके थ्रू केरोसिन मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे। LPG कवरेज बढ़ाया गया, मिट्टी के तेल और LPG पर सब्सिडी दी गई, और बहुत सारी स्कीम्स में इसको बढ़ावा दिया गया। तो ऑटो ईंधन की हम बात करते हैं, इसमें बायोडीजल एक प्रमुख है, और सेल्युलो लिग्नोस की हम बात करते हैं, जिससे 2G इथेनॉल की हम बात करते हैं, जो 11 राज्यों में इस पे प्रोजेक्ट चालू है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी हमें मिला है बांग्लादेश और नेपाल से। अब सारी ही मंत्रालय में हमने देखा है कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, स्वच्छता पखवाड़े की बात की गई है, तो वो सभी मिनिस्ट्रीज की हाइलाइट्स में आएगा आपका। फिर पर्यटन मंत्रालय में अतुल्य भारत 2.0 अभियान शुरू किया गया। फिर इसके अलावा जो यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक था उसमें भारत की रैंकिंग 2013 में 65 थी, जो 2017 में बढ़ के 40 हो गई, तो हमने इस पर इम्प्रूवमेंट किया है। तो कुछ दो प्रमुख स्कीम्स हैं, पहला तो स्वदेश दर्शन जिसमें हमने विभिन्न थीमेटिक सर्कल्स बनाए हैं जिसके थ्रू हम रूरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं। इसके अलावा प्रसाद योजना जिसमें हम स्पिरिचुअल ड्राइव की बात करते हैं, एक होलिस्टिक विकास की बात करते हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं, जो भारत ने विश्व भर में जो इंटरनेशनल टूरिज्म ब्रूस हुआ था उसमें भारत का जो पखवाड़ा था वो मुख्यतः किस रूप में था, वो स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में था। फिर पर्यटन पर्व हमने आयोजित किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने
अप्लाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की थी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में। फिर यह हमने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 3 रेलवे स्टेशन में सुधार किया गया, मुख्यतः गोवा में। और फिर ग्लास स्टॉप कोच की बात की गई, जिसमें जो रेलवे कोच होंगे उसके ऊपर कांच की टॉप होगी, जिससे बाहर का सीनिक व्यू बहुत अच्छा दिख सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। जन संसाधन मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो गंगा रिजुविनेशन प्रमुख है। ये आपके किसी भी आंसर का हिस्सा बन सकता है, केस स्टडी का हिस्सा बन सकता है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, अक्सर इन पे क्वेश्चंस आते हैं। हर बार आपके मेंस में एक ना एक क्वेश्चन होता ही है, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन वहाँ पर सब्सटेंशिएट कर सकते हैं अपने आंसर में। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की, जिसमें हम केन बेतवा, दमनगंगा पिंजल और पर तापी की लिंकिंग की बात करते हैं। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स किए गए हैं जो आंकड़े आपके सामने हैं। इसी तरीके से ग्राउंड वाटर या भूजल के प्रबंधन की भी हमने बात की है। और कई सारी योजनाएं हैं जो भारत के बाहर, जैसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध परियोजना शुरू की गई हेराट प्रांत में, तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो भारत के बाहर भी शुरू की गई हैं, उनकी भी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय नदी विंग द्वारा 2017 में कुछ प्रमुख घटनाएं की गई, उनका समरी यहाँ पर दिया हुआ है। खाद्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इंडिया फूड मार्ट बनाया गया था, जो 2017 में लॉन्च हुआ था। इसी तरीके से नए एडिटिव्स लाए गए हैं, जिसको इंटरनेशनल कोडेक्स स्टैंडर्ड्स के द्वारा मीट करवाया गया है। तो भारत जो है अब ना सिर्फ फूड प्रोडक्शन में आ गया है, पर इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटी की हम बात करते हैं, हम वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बेहतरीन बना सकें। तो हम जो फूड या खाद्य पदार्थ ला रहे हैं मार्केट में, उसमें हम कुछ और वैल्यू ऐड करके उससे ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया है। इसी के लिए पेरम्बलूर में, तमिलनाडु में शैलॉट्स की कॉमन फूड प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर शुरू किया गया। बहुत सारे मेगा मार्ट्स लाए गए, मेगा फूड पार्क्स जिनको हम बोलते हैं, सॉरी, फूड स्ट्रीट की स्थापना की गई। फिर मेगा फूड पार्क्स में ये आपकी कंप्लीट लिस्ट है जो लाए गए हैं। और इसके बाद कुछ जो डेवलपमेंट में है, जो लुधियाना कपूरथला और केरला के पलखाड़ और असपुल्ला में है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। फिर कोल्ड चेन की हमने बात की, वैल्यू एडिशन की हमने ऑलरेडी बात की है। अगला है MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। MHRD में सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा की हमने बात की। एजुकेशन हमारा मुख्य फोकस था। टीचर्स एजुकेशन में हमने कहा कि लर्निंग आउटकम्स पे फोकस करना है। जब हमने नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया, जिसमें हमने कंपिटेंसी इवैल्यूएशन की बात की, राधा देन कि हम सिर्फ टेक्स्ट बुक में जो स्कोर है उसको इवैल्यूएट करें। तो लोगों में, स्टूडेंट्स में कॉम्पिटेंसी कितनी है, क्लास 3, 5 और 8 के बच्चों को इसमें रखा गया और आंका गया। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण हमने किया। उसके बाद शिक्षा में बहुत सारे सुधार लाए गए। इन सब की डिटेल हमने हायर एजुकेशन की जो क्लासेस ली हैं उसमें डिस्कस की हैं, तो वहाँ पर आप ज़रूर इसको डिटेल में समझिए। यहाँ पर हम इसको समरी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक भारत शोध भारत की हमने स्थापना की। फिर इसके बाद NCERT ने लगभग 6 करोड़ टेक्स्ट बुक्स निकाली हैं मार्केट में। बहुत सारे स्वच्छता विश्वविद्यालय की स्कीम के थ्रू बहुत सारे स्कूल्स को अवार्ड दिया गया है। छात्रवृत्ति में मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की बात की। माध्यमिक शिक्षा में कन्याओं को प्रोत्साहन देने की बात की। फिर मिड डे मील्स स्कीम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात की। 30 साल बाद हम नई शिक्षा प्रणाली या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, जो कि वापस बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया गया, 2015 में पहली बार लाया गया था और 2017 में इसका मॉडिफाइड रूप लाया गया, जिसकी हमने बात की। इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मास्यूटिकल्स और मानविकी विश्वविद्यालय में इसके बारे में हमने डिटेल में बात की। स्वयं एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है, जिसमें हमने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की। फिर स्वयं प्रभा में हमने डायरेक्ट टू होम से डिजिटल पेमेंट्स की, डिजिटल एजुकेशन की बात की है। फिर NAD, जिसमें हम नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी की बात करते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हमने स्थापित की, जिसके द्वारा सारे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स दिए जाएंगे।
उच्च शिक्षा में हीफा लाया गया, जिसमें हायर एजुकेशन को किस तरीके से फाइनेंस करते हैं उसकी बात की थी हमने। फिर अनुसंधान पार्क बनाए गए, इम्प्रिंट भारत स्कीम चालू की गई, बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्प्रिंट भारत, जिसमें हमने वो सारी रिसर्च को फोकस किया जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा दो प्रमुख बिल पारित हुए, IIT का बिल पारित हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके, और IIM का बिल पारित हुआ जिसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी की बात की गई, महिलाओं का SC ST का ज़्यादा योगदान की बात की गई IIM में, और जितनी भी IIM की एनुअल रिपोर्ट्स हैं वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल और पार्लियामेंट के सामने हर साल पेश की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख डेवलपमेंट्स थे जो किए गए थे, जो लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स किए गए थे। तो ये सारे ही डेवलपमेंट्स हमने बहुत गौर से वहाँ पर देखे हैं। फिर वीर गाथा चालू किया गया, जिसमें जितने भी युद्ध में शहीद हुए हैं नायक उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया गया, कक्षा 10वीं के लिए उपलब्धि सर्वेक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे करवाया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारी स्कीम्स लाई गई, अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के स्टूडेंट्स को अवार्ड्स दिए गए, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। और उसके अलावा ई प्रंज, जो कि एक प्रमुख स्कीम है KV की, जिसके द्वारा 5000 स्टूडेंट्स को प्री लोडेड मैथ्स और साइंस की टैबलेट्स दी गई, जिसके द्वारा वो मैथ्स और साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि ला सकें। मिनिस्ट्री ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कि जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा टारगेट ये था कि 2022 तक 175 GW एनर्जी की या ऊर्जा क्षमता हम हासिल कर सकें। तो इसके लिए हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब की बात की। अब इन सब के क्षेत्र में हमने काफ़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, काफ़ी सारा नवीनीकरण हुआ है, काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ है, जिसको ग्रीन पावर क्षमता में वृद्धि की भी बात कही थी। तो वो समरी हमारी यहाँ पर है। जैसे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में हम बोलते हैं कि विश्व में हमारा चौथवां स्थान है, किसके बाद? चाइना, USA और जर्मनी के बाद। तो विंड पावर में या हवा की ऊर्जा के सेक्टर को डेवलप करने में, पवन ऊर्जा को डेवलप करने में हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छी ग्रिड कनेक्टिविटी हमारी आई है, और जो टैरिफ था वो घट के अब सिर्फ 2.64 पर यूनिट रह गया है। तो उसमें भी हमने बहुत अच्छा डेवलपमेंट हासिल किया है। इसी की तरह सौर ऊर्जा में भी हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। सौर ऊर्जा का टैरिफ जो है अब घट के 2.44 हो गया है पर यूनिट। सौर छतों की हमने स्थापना की, और सौर छतों की स्थापना करना एक अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। तो इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स भारत में हो रहे हैं वो हमारा जो एग्जिस्टिंग कोल और पेट्रोलियम की जो ऊर्जा हम जनरेट कर रहे हैं उसके लोड को कम करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेगा, जो ज़्यादा क्लीनर रिसोर्स माना जाता है। फिर IRDA जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उसको मिनी रत्न का स्टेटस दिया गया है। उसकी जो कैपिटल थी वो 1 करोड़ से बढ़कर अब 6 करोड़ हो चुकी है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की हमने बात की, इसके अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल स्कीम्स भी लाई गई हैं, और कुछ लक्ष्य हैं जो हमने निर्धारित किए हैं जो हम 2019 तक प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें हम स्मार्ट स्टेशंस की स्थापना करना चाहते हैं। अब ट्राइबल अफेयर्स या जनजातीय मामलों के मंत्रालय की अगर हम बात करें तो जनजातीय सब प्लान या जनजातीय उप योजनाएँ लाई गई हैं, जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जनजाति की हम फोकस करते हैं। बहुत सारी स्कीम्स लाई गई हैं जिसके थ्रू आवंटन किया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए गए हैं। बहुत सारी समूह जो PVGT हैं, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई है। छात्रवृत्ति में मैट्रिक के पहले, मैट्रिक के बाद, और जो फेलोशिप स्कीम्स हैं उनकी बात की गई है। बहुत सारी जगहों पर हॉस्टल्स बनाने की बात की गई है। आदि महोत्सव किया गया था, जिसमें आदिवासियों द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उनको रखा गया था, और उसके द्वारा उससे जो पैसा मिला था वो उनके डेवलपमेंट में गया था। खान मंत्रालय की अगर हम बात करें तो मिनरल ऑक्शन प्रोसेस 2015 जो था उसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उसमें किस तरीके से नीलामी नियम बदले गए हैं और किन किन ब्लॉक्स को वो आवंटित किया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया है। फिर हमने
राष्ट्रीय खनिज नीति में अमेंडमेंट्स की बात की है जो 2008 में आई थी, और इन अमेंडमेंट्स में हमने ये कहा है कि जिन जिन क्षेत्रों में अनऑथराइज्ड खनन होता था उन क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा और सबकी स्टार रेटिंग करवाई जाएगी। तो सर्वेक्षण प्रणाली लाई जाएगी जिसको MSS कहा जाएगा, माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम, और इसके अलावा स्टार रेटिंग ऑफ माइंस, दो चीज़ें करी जाएगी जिसमें 4-स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए वैधानिक प्रावधान शामिल किए जाएंगे। तो ये दो चीज़ें प्रमुख की जाएंगी इसमें। फिर भूगोलिक सर्वेक्षण की अगर हम बात करते हैं तो जियोफिजिकल सिस्टम्स लाए गए हैं जिसके द्वारा भारतीय प्रशिक्षण संस्थान और IIT हैदराबाद, जो IIH है, उसके द्वारा ये किया जाएगा। बहुत सारे सिस्टम्स लाए जाएंगे जिसमें एक प्रमुख सिस्टम है ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स किए गए मुख्यतः नालको में थे। नालको में अभी तक का सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन दर्ज किया गया, जो कि अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। कपड़ा मंत्रालय की अगर हम बात करें तो कपड़े के क्षेत्र में हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडिया 2017 जो करवाया गया, जो एक्सपो करवाया गया, उसमें बहुत सारा R&D लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात की गई और इसमें हमने कॉटन टेक्सटाइल और पावरलूम सेक्टर पे फोकस किया। पावरलूम भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बटे हुए हैं, तो उनमें मुख्य आइडिया ये था कि उनको कंसेशनल रूप पे क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, उनका नवीनीकरण किया जा सके और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करवाया जा सके। इसमें साथी योजना शुरू की गई जो कि वापस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों का आयोजन करवाया गया। बुनकरों को बढ़ावा देने की बात की गई, उनके सहयोग के लिए बहुत सारे शिविर आयोजित किए गए। वित्तीय नियमों के साथ समझौते किए गए और बुनकरों के बच्चों को भी प्रशिक्षण देने की बात की गई। जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो इसमें लगभग 21 प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं जिन्होंने भारतीय हैंडलूम को बढ़ावा देने की बात की थी। भारतीय हथकरघा ब्रांड की स्थापना की गई जिसको IHB कहा गया, इंडियन हैंडलूम ब्रांड कहा गया। बहुत सारे तकनीकी डेवलपमेंट्स हुए। इसी की तरह अगर हम रेशम के क्षेत्र में देखें या रेशमी कपड़े के क्षेत्र में देखें तो लगभग 6,200 मिलियन टन्स तक पहुंचने की इसकी संभावना थी। बेंगलोर में इसके अपग्रेडेशन के लिए बहुत सारा इसके लिए प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोला गया। कपास में अगर हम देखें तो भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, और जो हमारे कपड़े हैं वो देश विदेश में पहुंचते हैं, तो उसकी प्रोसेसिंग और पावर लूम्स को बेहतर बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जिसकी हमने बात की। बहुत सारे अनुसंधान लाए गए। अब कुछ प्रमुख चीज़ें जो इस वीक न्यूज़ में थी, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विसेज का गठन किया गया। इसके अलावा आपके बॉम्बोजेनेसिस न्यूज़ में था, FDRI बिल पारित हुआ, नेशनल सिक्योरिटीज़ कमीशन लाया गया। कोल फॉर्मेशन या कोयला बनने की दो थ्योरीज थी, एक तो ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि भारत में जो कोयला है उसमें ऐश की मात्रा ज़्यादा है, और दूसरा इनसीटू थ्योरी है। ये दोनों ही आपके भूगोल, वैकल्पिक और जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारतीय कल्चर के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडियन मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स बिल 2017 पारित हुआ। नेशनल सिक्योरिटी मिशन हमने ऑलरेडी बात की है। मॉनसून मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिटेल में एक क्लास लेंगे, तो इस पर निगाह रखिए। और दो प्रमुख कमेटी आई थी, एक थी जाधव कमेटी जो फंड एलोकेशन के लिए आई थी, और शाक्तेतर कमेटी जो कि डिफेंस में किस तरीके से खर्चे को रीबैलेंस किया जाए उस पर आई थी। अगली क्लास में हम वासेनार अरेंजमेंट पे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ सकते हैं, आपके सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक है करंट अफेयर्स का जिस पर क्लास ली जाए जो आपके प्रिलिम्स या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली उसको भी आप सुझाव बॉक्स में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद।